असलाम वालेकुम जी, मैं सज्जाद ददरा अपने चैनल वेखो पंजाब ते तुहानू सब नू जीआं नू आखना वा, जीउंदे वास्ते रहो। अज प्यारे हो असी गलबात करन जा रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टेज दे बहुत वड्डे कलाकार होए ने तारक टैडी साहब, उन्हां दे बारे कुछ गल्लां बातां तुहाडे नाल सांझियां करांगे ते उन्हां वास्ते दुआ भी करांगे कि अजकल बहुत ज़्यादा बीमार ने, बल्कि अगर इत्थों तक कहा जाए कि वह अपनी जिंदगी दीआं आखिरी सावां गिण रहे ने। असी दुआगोत हैं वा कि मालक उन्होंने तंदुरुस्ती सेहत ते जिंदगी दे, लेकिन उनकी कंडीशन वेख के लग एवें रहा है कि जिवें पता नहीं हुण भी गए तो कड़ी नूं भी गए। मालक उन्होंने अपनी रहमत करे। कुछ गल्लां जिहड़ियां ने उन्होंने तुहाडे नाल असी शेयर करन लगे हाँ, उम्मीद करांगे साढ़े नाल जुड़े रहोगे। चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं लाइक करो। आओ फिर दसने हां उन्होंने दीआं कुछ गल्लां बातां। कौन है आखरी 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 अदाकार तारक टैडी साहब जी 1972 लैलपुर शहर में जम्मे सन। लैलपुर जिहदा पुराना नाम अंग्रेज़ ने वसाया सी, शहर उन्हें लैलपुर रखिया सी। बाद विच तुहानू पता है कि साडे लोगों में रवाज पाया जाता है कि बाहरों को आके सानू चार कौड़ियाँ दे दे ते साडे कोल भावें जो मर्जी ना रखा ले। लिहाजा एक बंदे ने इन्नी मेहनत नाल वसाया, सारा कुछ किया, असी उहदा नाम बदल के इन्ने चुटकी च ते एक अरबी आया ते असी जनाब वाली उहदे नाम तों फैसलाबाद रख लिया, जिन्ने उस शहर वास्ते कीता भी कख कंडा ने। अब ये अफसोस ना गल एक तुहाडे नाल मैं शेयर करन लगा वा, क्योंकि बंदा जी लैलपुर दा सी, फैसलाबाद दा सी। तो हुण इत्थों तक लोग कह रहे हैं कि जिन्ने अदाकार इस ये शहर जिहड़ा ना पाकिस्तान अदाकार दे रहा है, सिंगर दे रहा है, बहुत वड्डे वड्डे नाम जिवें कि कवाल नुसरत फतेह अली खान, बहुत वड्डा नाम। फिर मैं कहना इंतहा दे अदाकार ने, खासकर स्टेज दे सिंगर बड़े ने। हुण इत्थों तक लोग कहन लग पे ने शहर नूं फैसलाबाद की बजाय लैलपुर की बजाय मरासीपुर, कई लोग कहते हैं पे, मैं नहीं कह रहा, कई लोग कह रहे हैं, लेकिन असल नाँ का जिहड़ा लैलपुर सी, ये लैलपुर पैदा हुए सन 1972। इन्हां शौक सी अदाकारी का, स्टेज पर काम करन दा, क्योंकि उस जमाने में स्टेज जिहड़ा ना ये फैसलाबाद में भी हुंदा सी, ड्रामे हुंदे सन। लिहाजा इन्होंने जिथे जाके ड्रामे वेखने ना उहदे नाल नाल जनाब अली उस पर्दे के पिछे जिहड़े अदाकार काम करदे सी उन्हां तक भी रसाई हासिल कर ले, उन्होंने जाके भी जड़िया ने जुगतां मारनियां शुरू कर दित्तियां। तुहानू पता है कि फैसलाबाद का लैलपुर का बंदा होए तो उन्होंने जुगत ना आउंदी होए या जुगत ना मारदा होए गल गल नाल, ऐ नहीं हो सकता। इस तरह ही इन्होंने भी अदाकारां नूं भी इन्हें जाके जुगतां मारनियां शुरू कर दित्तियां। इस तरह ही फिर फैसलाबाद ड्रामे में इन्हों इन्हें हिस्सा लेना शुरू कर दिता, उतों ना वाधा 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 लाहौर तक अपड़ गए। फिर इन्हें इन्ना क ना कमाया, इन्हों की जोड़ी जी है ना ये समझ लो कि ये नाल मस्ताना साहब न, मस्ताना उस वेले अरूज ते सी 90 की दहाई में, इस बंदे ने आके उस बंदे की मिट्टी पलीत कर दी, वो नक् च दम कर दिता, इन्नी इन्नी जुगत मारी उन्होंने कि उन्हें यदा ना औतरीज रख दिता सी तारक टैडी का। इन्ना मशहूर होया बंदा, एक नवी चीज़ जी जुगत जिन्हें कि नॉन स्टॉप जुगत जुरू इन्हें कीतियां। हाँ अफसोस नाल ये भी कहने कि इस बंदे ने अगर कोई स्टेज का माहौल खराब किया, गंदियां जुगतां जिन्हें शुरू कीतियां सी, वो भी यही बंदा सी तारक टैडी। ये नहायत अफसोस नाल मैं तुहानूं गल कर रहा, यह हकीकत है कि गंदियां भैड़ियां जुगतां अगर जिन्हें शुरू कीतियां, शुरुआत की इसे बंदे ने की, जिथों फिर फैमिली जिहड़ियां ने स्टेज तो दूर हो गई सी, जिथों अगे चल के बहुत वड्डे वड्डे अदाकार अमानुल्ला खान साहब स्टेज नूं छड्ड गए, सेल अहमद साहब बहुत वड्डा नाम होया जिन्हें कि फैमिली ड्रामे किए, उस इंडस्ट्री स्टेज इंडस्ट्री नूं बंदा छड्ड गया इन्हां अदाकारां दी वजह तों, कि जिन्हां ने गंदियां जुगतां कर करके खानदान जिहड़े फैमिली वेखण वास्ते आउंदियां सी उन्हां नूं स्टेज तो दूर कर दिता गया। ता ही फिर स्टेज जिहड़ा ना जवाल पजीर होया, वो समझ लो स्टेज नहीं रह गया, कोठा रह गया। फिर अगों रही सही कसर जिहड़ी है वह नसीम विकी डायरैक्टर ने पूरी कर दिती, जिहो जिहां उन्हें कोठे तो चुक चुक अदाकारावां इत्थे आंदियां, उन्होंने ऐसे ऐसे गंदे बेहूदा डांस पेश कीते गए कीते, बल्कि लोग फिर उत्थे वलगर गंदे डांस ही वेखण जांदे रहे। वापस आने अपनी गलबात ना तारक टैडी वाल, कि तारक टैडी ने फिर बड़ा पैसा कमाया,
इंतहा दा बंदे ने पैसा कमाया, अरूज वेख्या इन्हें। फिर फैसलाबाद तो लैलपुर तो शिफ्ट हो गए लाहौर पक्के। फिर एक आसमा नामी कुड़ी नाले ना व्याह कर लिया, पसंद की शादी कर ली, रहन लग पे, हसी खुशी जिंदगी गुजारन लग पे। लेकिन ये तुहानू पता है कि खासकर जिहड़े अदाकार लोग ने इन्हां दीआं बीवियां इन्हां तों खुश नहीं रहिंदीआं। उहदी वजह की है, एक तो जदों पैसे कमाउंदे ने तां मुआशके बड़े शुरू कर लैंदे ने, फिर ये शराब ते शबाब आम कर लैंदे ने, फिर इन्हां ने घर जिहड़ा टाइम नहीं देना हुंदा, लेट आउणा हुंदा, लिहाजा इन्हां दी जिंदगी जिहड़ी है उह वी डिस्टर्ब होण लग पई। इन्हां विच्चों आसमा ते तारक विच्चों दो धीआं ते इक पुत्तर, जिथों ये मामलात वधदे 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 इन्ने वधे, उन्हें आख्या कि मैं तेरे नाल नहीं रहना। आसमा ने आख्या, तारक मैं तेरे नाल नहीं रहना, तू सानू टाइम नहीं देंदा, साडा ख्याल नहीं करता, तू अपनी हरकतां गंदियां नहीं छड़दा, लिहाजा असीं तेरे नाल नहीं रह सकते। वह उन्हें मां ने धीआं दोवें नाल लईआं, तो सैड ते हो गई, केस हो गया इन्हां ते कि इन्हां ते खर्चे दित्ते जाण। जिहड़ा पुत्तर सी ना वह तारक डैडी ने रख लिया। हुण इत्थे सवाल शुरू होण लगा तारक डैडी दा, जिहड़ा जिथों तक बेचारा हुण पढ़िया ना हस्पताल विच, ये हुण सवाल इत्थों शुरू स्टार्ट इत्थों होया सी। वो अलहदा हो गई हैं, हुण अदालत ने आख्या कि तारक डैडी नूं कि हाज़र हो, हुण ये हाज़र कोई ना होए, पहले पहले तेने खर्चा दिता, लेकिन बाद विच खर्चा देना बंद कर दिता, केस तो चलता सी पिया, इन्हें अदालत जाना भी जिहड़ा गुवारा ना कीता, छड्ड दिता। हुण अदालत ने इहनूं इश्तिहारी करार दे दिता, बाद विच अपनी जान बचाने वास्ते ये इश्तिहारी तो रह नहीं सी सकदा, क्योंकि इन्हें कम करना सी स्टेज ते, ये किवें लोके रह सकदा सी, ये कोई इलाका गैर तो जा नहीं सी सकदा, क्योंकि कम करता तो अपना घर का अपने बच्चे नू पालदा ना, अपना निजाम चलांदा, लिहाजा इन्हूं अदालत जाके सारा पिछले अदायगियां देनियां पईआं ते इहदी खलासी हुई। जिथों इन्हें इस बंदे ने बड़ी टेंशन लई कि यार मेरे बच्चों ने मेरे ते दावा कर दिता है, मेरे ते केस कीता, मेरी बीवी ने कीता, मेरिया धीआं ने कीता, लिहाजा एक बार फिर शराब च डुब गया अपने गम भुलाने वास्ते। लेकिन तुहानू पता है गम इस तरह नहीं भुलदे, गम भुलदे ना रब नाल लौ लाईए ते, तो जो रब नूं छड्ड दईए ना दूजे आलतू फालतू चीज़ों में कम्मां च पै जाइए, तो फिर तुहानू पता है उहदा अंजाम की हुंदा, ये भी बुरे कम्मां च पै गया। फिर 2011 च इन्हां दी तलाक हो गई, तलाक तो बाद इन्हां नूं होर टेंशन बहुत ही लै ले, जिथों इहदे वो यानी कि शराब की वजह तो गुरदे खाधे गए, जिगर खराब हो गया, यह हस्पताल जा पिया, कुछ कुछ बेहतर हो गया, बेहतर होने तो बाद आके तो फिर इन्हें काम शुरू कर दिया स्टेज पर, नाल वसी शाह साहब का प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, काम करता रहा, लेकिन यदि हालत पहले वर्गी जी है ना वो बेहतर ना हो सकी, दिन ब दिन फिर डाउन ही होया। लेकिन इतलात ने जराए कहें कि इस बंद ने वो शराब नोशी नहीं छी, जिदी वजह तो यदा जिगर जरा बिल्कुल खाधा गया, तो हूँ हस्पताल हूँ इतों तक माली हालात आ गए ने कि वो इलाज के हस्पताल वाले आख्या कि इनू जड़े के गुरदियां दे जिगर दे हस्पताल ने ना उत्थे इन्हां नू जड़ा दाखल करवाओ ताकि इहदे जिगर दे मामला जड़े ने उन्हां दा कोई इलाज हो सके। लेकिन इस हस्पताल विचों पैसे दिओगे तो असीं तुहानू जड़ा डिस्चार्ज करिए। हुण वो पैसे देने वास्ते जड़े के इलाज होया तारक डैडी कोलों पैसे कोई नहीं। ऐसे हालात इन्हां अदाकारां ते आ जांदे ने, जिवें तुहानू बब्बू बराल दे तुहानू पता किवें दे हालात आ गए। असल च माजरत दे नाल ये लोग जवानी विच इन्नी क अयाशी करते हैं, कुड़ियां ते पैसे अडाने, फिर इस तरह हल्ले गुल्ले करने, शराब शबाब सारा कुछ, कि ये सेविंग नहीं करते, पैसा बचाते नहीं, सैड ते नहीं लाते, सारा कुछ अड़ाते रहेंगे। लेकिन सारी उम्र जो इको जे मामलाते नहीं रेंगे, हमेशा अरूज तो नहीं रहा, अरूज नूं ही जवाल आता, फिर जो इन्हें जवाल आता तो फिर रुपया रुपया जरा मंगते फिरते, फिर अपीलां करते हैं कि हकूमत साड़ी मदद करे। जदों समझो कि भैड़े हो जदों तुसी कमाई करते रहे उदों ही कुछ सांभ लेंदे, उदों तुसी समझते हो कि साढ़े ते माड़ा वेला आना ही नहीं, लेकिन तुहाड़ियां करतूतां दी वजह तो रब तुहानू माड़ा वेला भी विखांदा। इस तरह कुछ तारक डैडी नाल भी हो रहा कि कहा जाता है कि इस वेले आखिरी सावां गिण रहे, लेकिन कोल पैसे नहीं है कि बिल जिहड़े ओह अदायगी की जाए। हुण अपीलां कीतियां जा रही ने अदाकार जिहड़े ने उन्हां अगे, साथी अदाकारां ते अगे, हकूमत अगे अपील की जा रही कि मदद की जाए, जे उदों कोई चार पैसे जोड़े होंदे तां अज तेरे काम आ जांदे। लेकिन असीं रब सुणे के दुआ करने कि मालका इहनूं तंदुरुस्ती सेहत दे, गलतियां कुतहियां मालका बंदे कोल हुंदियां, मालका तूं अपनी रहमतां कर इहनां नूं तंदुरुस्ती सेहत दे, इहनां दे आल औलाद की खैर कर मालका, ते अपनी रहमतां कर इहनां ते, इहनां नूं माफ़ कर दे मालका, तूं बड़ा बख्शनहार है।
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ।